हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू vibrantvarsha.com। मैं हूँ वर्षा इंद्री और आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही हेल्दी रेसिपी जिसका नाम है मूंग दाल चीला। मूंग दाल आप येलो यूज करो या ग्रीन यूज करो। मैंने यहाँ पे 1 कप मूंग दाल लिया है। इसे अच्छे से वॉश कर लेंगे और इसे सोक करेंगे 3 आवर्स के लिए। 3 आवर्स हो चुके हैं और देखिए मूंग दाल पूरी तरह से सोक हो चुकी है। ये 1 पर्सन के लिए इनफ है। इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 ग्रीन चिली। ये आपके हिसाब से आप लीजिए, मुझे तीखा पसंद है इसीलिए मैंने 1 चिली लिया है। थोड़ा सा जीरा मैंने यहाँ पे डाला है, थोड़ा सा अदरक लिया है वो मैंने डाला है। इसे और भी हेल्दी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे पालक डाला है। मैंने 6 to 7 लीव्स लिए हैं पालक के। सॉल्ट डालेंगे स्वाद अनुसार। 1 पिंच मैंने हींग लिया है। थोड़ी सी हल्दी पाउडर और थोड़ी सी धनिया पाउडर, या तो आप फ्रेश कोरिएंडर भी डाल सकते हो। बहुत थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। देखिए बैटर हमारा रेडी है। थोड़ा सा दरदरा ही रखिए, एकदम फाइन पेस्ट मत बनाइए। इसे हम एक बोल में निकालेंगे। इसी में थोड़ा पानी डाल के हम बैटर में ऐड करेंगे। गैस पे आप एक तवा गर्म करने रखिए। मैंने यहाँ पे कास्टिंग आयरन का तवा लिया है। आपके पास अगर नॉनस्टिक रहेगा तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तवा हमारा गर्म हो चुका है। फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल में डाल रही हूँ। जैसे कि मैंने कहा ये कास्टिंग आयरन का तवा है तो थोड़ा सा मुझे इसको ग्रीसिंग करना पड़ेगा। बैटर की कंसिस्टेंसी इतनी होनी चाहिए, जैसे आप नॉर्मल डोसा बनाते हो उस तरह से आप इसे ले लीजिए। फिर आप इसके चीले बनाइए। आपको जो साइज चाहिए उस साइज के हिसाब से आप चीले बनाइए। पतला मोटा आप जैसे पसंद करते होंगे आप वैसे बनाइए। फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल साइड से छोड़ दीजिए। ये नहीं यूज करना चाहते ऑयल बिल्कुल कोई बात नहीं, आप मत कीजिए। एक साइड से हमारा ये कुक हो चुका है, पक चुका है। दूसरे साइड से हम इसे फ्लिप करेंगे और इस तरह से आप सारे चीले बना लीजिए। तो देखिए इतने ही बैटर में मेरे 3 चीले बन गए। हेल्दी है, डिलीशियस है, टेस्टी है। PCOS, PCOD, थायराइड जिन्हें है वो भी इसे खा सकते हैं। जिन्हें डायबिटीज है वो भी इसे खा सकते हैं। और वेट लॉस में तो असरदार है ही। आप इसे लंच, ब्रेकफास्ट या डिनर में भी ले सकते हो। 1 पर्सन के लिए इतनी क्वांटिटी बहुत इनफ हो जाती है। तो आप इसे जरूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।